हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैटिक एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा होगा टॉपिक यहाँ पे सेस्मिक एनालिसिस है। सेस्मिक एनालिसिस मींस आपको पता होना चाहिए सेस्मिक मींस अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का प्रेशर किस तरीके से बिल्डिंग पे कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक को दो तरीके से डिजाइन करते हैं, एक स्टैटिक एनालिसिस होता है कि डायनेमिक एनालिसिस होता है। तो हमें पता होना चाहिए स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है। स्टैटिक एनालिसिस हम लोग छोटी बिल्डिंगों के लिए यूज़ करते हैं और डायनेमिक एनालिसिस बड़ी बिल्डिंगों के लिए यूज़ करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये अबाउट स्टैटिक एनालिसिस होने वाला है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डायनेमिक एनालिसिस के लिए होगा। अगर आपको डायनेमिक एनालिसिस के लिए वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं सेस्मिक एनालिसिस की। अब वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। काफ़ी लोग शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मेरा मन किया कि मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट और जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आप तक शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो सेस्मिक एनालिसिस की बात करते हो तो इंडिया में कितने सेस्मिक जोन है। लाइक इन इंडिया देर आर 4 सेस्मिक जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अब आप बोलोगे सर जोन 1 कहाँ है, सो जोन 1 इज मिक्स विथ जोन 2, सो राइट नाउ ओनली 4 जोन वी है। सो जोन 1, जोन 2 वैल्यू इज 0.16 एंड जोन 3 वैल्यू इज 0.16 एंड जोन 4 इज 0.24 एंड जोन 5 इज 0.36। दोस्तों लाइक अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें स्टैटिक एनालिसिस में किस तरीके से एग्जांपल एक लेके हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ 4-स्टोरी रेनफोर्स्ड कंक्रीट ऑफिस बिल्डिंग्स। सो इन फिगर द बिल्डिंग्स इज लोकेटेड इन शिलोंग। सेस्मिक जोन शिलोंग में कितना है आपको दिख रहा होगा, सेस्मिक जोन शिलोंग में 5 है एंड द सॉइल कंडीशन इज मीडियम स्टिफ्स एंड द इंटायर बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन द रॉक फाउंडेशन। The RC frames are infilled with brick masonry and the lumped weight due to the dead load is 12 kN per meter square and on floors and 10 kN per meter square on the roof. So floors is catered for the live load of the 4 kN per meter square and floors and 1.5 kN per meter square on the roof. Determine the design seismic loads on the structures. हमको क्या करना है एज पर न्यू कोड्स। तो दोस्तों हमको क्या करना है, हमको डिज़ाइन कैलकुलेट करना है। डिज़ाइन किस तरीके से होगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लान बनाएंगे। सो जैसे कि हम लोग आप देख सकते हैं डायग्राम में, हमको इस तरीके का हमारे पास एक प्लान है। ओके, प्लान के में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास प्लान में 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हमने दिए हैं प्लान में और 5 मीटर ईच। मीन्स ये बात करें तो 5, 5, 5, 5 टोटल कितना आ गया 20 मीटर एंड दिस इज 1, 2, 3 मीन्स 3 बॉक्सेस दे। तो यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे आपका 5 मीटर ईच मीन्स टोटल कितने हो गए 15 मीटर। ये 15 मीटर है और यहाँ पे आपके पास कॉलम्स हैं, इस तरीके से कॉलम है। सो दिस इज योर प्लान इज लुकिंग लाइक दिस। आपका प्लान इस तरीके से देखेगा ना। व्हाट्स द एलिवेशन ऑफ दिस प्लान? सो दोस्तों एलिवेशन इज लुकिंग लाइक दिस ना। आपके पास 3 फ्लोर्स हैं और एक ग्राउंड फ्लोर है जिसके अलग अलग हाइट है। ग्राउंड फ्लोर की हाइट कितनी है 4.2 मीटर एंड उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर है इनके कितने हैं 3.2 मीटर्स। दोस्तों अभी अगर हमको इसको कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले इसका लोड हमको बताना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन में आपको दिखाया हुआ है कि लोड कितना है। सो यू नो डेड लोड ऑन, आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेड लोड ऑन द फ्लोर इज 12 kN/m² एंड डेड लोड ऑन द रूफ इज 10 kN/m². आप बात करते हैं लाइव लोड की, तो लाइव लोड ऑन फ्लोर, लाइव लोड फ्लोर पे कितना है 4 kN/m², याद रखिएगा मीटर स्क्वायर है। सो 4 kN/m² एंड लाइव लोड ऑन रूफ 1.5 kN/m². दोस्तों एक रूल होता है कि अगर हमारा लाइव लोड 4 kN से या उससे ज़्यादा है तो हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं सिस्मिक का उस पर केवल और केवल 0.5 मतलब 50% ही उसका लाइव लोड कंसीडर करते हैं। एंड इफ़ योर लाइव लोड इज 1.5 तो इसको हमको लाइव लोड को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे कि मेरे रूप पे तो हम लोग जो लाइव लोड है ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसके डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो स्टेप आप लोग इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं। सो स्टेप 1, स्टेप 1 व्हाट इज स्टेप 1? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द टोटल लोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एरिया, एरिया वॉज 20 and 10, 20 and 15 राइट। सो 20 into 15 दिस इज टोटल इज 300 mm² मीटर। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लोड्स।
अलग अलग फ्लोर्स पे कितना कितना लोड आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो सपोज फॉर फर्स्ट फ्लोर दिस इज W1, सॉरी ग्राउंड फ्लोर W1 एंड फर्स्ट फ्लोर W2 एंड देन W3. इन तीनों का तो लोड सेम था, क्यों? क्योंकि इनमें हमारे पास 12 किलो न्यूटन का लोड पड़ा हुआ था. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसका 300 इंटू 12 किलो न्यूटन, क्योंकि 12 किलो न्यूटन हमारा डेड लोड था. इसके बाद 0.5 इंटू 4 किलो न्यूटन. क्यों 4 किलो न्यूटन? क्योंकि 4 किलो न्यूटन हमारा क्या है, लाइव लोड है, उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही कंसीडर करेंगे. सो जस्ट कैलकुलेट द डेड लोड. सो फॉर डेड लोड कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड विल कंसीडर दैट डेड लोड इज व्हाट, डेड लोड वी गॉट 4200 किलो न्यूटन. सो जस्ट मेंशन हियर 4200 किलो न्यूटन. Now next is we'll calculate the roof load. So roof load is suppose W4. So for W4, 300 into only and only dead load. What dead load? 10 kilometer dead load tha wahan pe roof hai. So just calculate 10 kilometer and you got here how much? 3000 kilometer. सो दोस्तों आपने रूफ पे जो लोड पाया वो कितना पाया, 3000 किलो न्यूटन, और सारे फ्लोर्स पे मतलब ईच फ्लोर पे कितना पाया, 42 किलो न्यूटन. अब 4200 किलो न्यूटन. तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे W1, W2, W3 आ चुका है, और इसके बाद हमारे पास W4 आ चुका है. सबको समेशन ऑफ द लोड्स करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तीन लोडों के लिए है, मीन्स तीन फ्लोर के लिए. तो 3 × 42 प्लस टॉप फ्लोर के लिए कितना है, 3000. तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना हमारा लोड आ जाता है, टोटल हमारे पास कितना लोड आता है. तो ये लोड हमारे पास आ रहा है 15600 किलो न्यूटन. सो फ्रेंड्स हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है बिल्डिंग का, कितना आ रहा है, 15600 किलो न्यूटन. अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम लोगों को इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ता है. फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे उसके लिए चलिए देखते हैं. स्टेप टू अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा फंडामेंटल पीरियड के लिए. फंडामेंटल पीरियड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका टी निकालना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स फॉर द फॉर्मूला ऑफ टी, टी इज इक्वल टू 0.09 एच अंडर रूट डी. ओके, तो ये जो टी है ये किसके लिए रहेगा, एक एक्सिस के लिए रहेगा, मींस फॉर एक्स एक्सिस. सो फॉर एक्स एक्सिस में कितना था आपका, डी कितना था, 20. सो डी वॉज 20 एंड आपका टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट था 4.2 एंड 3.2. टोटल कितना है आपका, 0.09 और ए एच की वैल्यू आप दे दीजिए 13.8 एंड उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट हमारा जो डी है, डी कितना था 20. सो दोस्तों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना हमारी वैल्यू आएगी इसकी, 0.28 सेकेंड. हमारा टी आ रहा है 0.28 सेकेंड. अब इसके बाद हम लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन हमारा था कि जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, मीडियम सॉइल है. तो मीडियम सॉइल के लिए SA/G देखना पड़ेगा. तो SA/G के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में कि SA/G जो आपका है, SA/G जो अगर वैल्यू उसकी वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, 0.1 to 0.55. तो SA/G की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, 2.5 रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2.5 ले लेंगे SA/G. अब SA/G आने के बाद आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कोफिशियंट. हॉरिजॉन्टल कोफिशियंट क्या होता है, AH. AH कैसे निकालेंगे दोस्तों, AH. तो AH निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ZI by 2R into SA/G. अब जेड आई क्या होता है, जेड आपको पता होना चाहिए सेस्मिक फैक्टर है. तो जेड सेस्मिक फैक्टर हमको पता है 0.36 इंटू आई. आई अभी हम लोगों को देखा कि आई जो है हमारा इस बिल्डिंग के लिए, आई को बोलते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर. बिल्डिंग की तीन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, पहली कैटेगरी है जनरल बिल्डिंग. जनरल बिल्डिंग में क्या होता है, जनरल बिल्डिंग इज व्हाट, जनरल बिल्डिंग मींस जो बिल्डिंग हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग या छोटे मोटे जो छोटे छोटे ऑफिसेस होते हैं ये जनरल बिल्डिंग. तो इनका फैक्टर जो होता है वो होता है 1. और इसके बाद जो हमारा अगर हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और उस पर बट उस पर लोगों का आना मोर देन 200 पीपल सारे वहाँ पे आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा 1.2. नाउ अगर हमारे पास बिल्डिंग हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग है या स्कूल बिल्डिंग है या ऑडिटोरियम है या लाइब्रेरी है, इस तरीके की बिल्डिंग्स है या हॉस्पिटल है, तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होता है. इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.5 होती है. तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये बिल्डिंग था, इस न्यूमेरिकल में भी आपको मेंशन था कि हमारा इसका जो फैक्टर है कितना होगा, 1. इसके बाद
2 into R. R क्या होता है? R is response vector. तो R क्या होता है? R is depend on SMRF and OMRF. What is SMRF? Special moment resisting frame. मतलब अगर आपके mixed proportion का grade more than M25 या M25 है, तो building क्या बोला जाती है? R building. मतलब कि उसका जो R होता है, वो कितना होता है? 5 होता है. So इसका हमने 5 लिया. अगर वो building M25 के नीचे means OMRF है, ordinary moment resisting frame, तो उसका जो value लेंगे, वो लेंगे हम लोग 3. यहाँ पे आप क्लॉज में देख सकते हैं कि कौन सा क्लॉज में कैसे बताता है. यहाँ पे ऐसे वाइट जी हमने लिया, इसके कितना आ गया हमारा 2.5. फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आगे 0.09 है. तो ये रहा दोस्तों हमारा AH. अब आपको पता होना चाहिए AH निकालने के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, डिजाइन बेसियर. अब डिजाइन बेसियर के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. डिजाइन बेसियर का क्या होता है? डिजाइन बेसियर का वी इक्वल टू AH इंटू डब्ल्यू. अभी अभी हम लोगों ने एच निकाला क्या 0.09. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 0.09 रखेंगे एंड नो द डब्ल्यू इज व्हाट आपका लोड. अभी हम लोगों ने लोड निकाला था कितना 15600. और इसको हमको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ वैल्यू 1440 किलो न्यूटन. तो दोस्तों हमारे पास वी भी आ चुका है. वी भी आने के बाद अब यही सेम चीज आप अभी अभी हमने किस डायरेक्शन के लिए किया, एक्स डायरेक्शन के लिए. सेम थिंग वी कैन डू फॉर y डायरेक्शन. सो चलिए y डायरेक्शन के लिए कैसे करेंगे. फॉर y डायरेक्शन, सो फॉर y डायरेक्शन फ्रेंड्स फॉर्मूला इज सेम 0.09 h अंडर रूट d. अब क्यों यार हमारा जो अंडर रूट d है ये 15 हो जाएगा क्योंकि हमारा y एक्सिस जो था वो 15 था. तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग यहां करेंगे 0.09 इंटू एच. एच हमारा कितना है 13.8. और इसके बाद हम लोग एच के बाद हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डी जो कि हमारा कितना है, डी वॉज 15. इसको हम लोग दोस्त कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.32 सेकेंड्स. अगर 0.32 सेकेंड आ रहा है तो इसका मतलब ये कि भी हमारा जो आ रहा है ये एसे वाई जी इसका जो आएगा एसे वाई जी आएगा 2.5. क्यों 2.5 आएगा फ्रेंड्स? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने IS कोड में देखा कि एसे वाई जी जो होता है ये हमारा अगर 0.102 0.55 रहेगा और मीडियम स्टेटा रहेगा तो वहाँ पे जो एसे वाई जी की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 5. हमारा टी यहाँ से आ जाएगा कितना 0.32. इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एसे वाई जी कर देंगे. एसे वाई जी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कितना 2.5. अब जो 2.5 हमारा एसे वाई जी आएगा तो हमको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों फैक्टर करने की जरूरत नहीं? क्योंकि एसे वाई जी हमारा 2 आ चुका है. मीन्स आपका जो जो एक्स एक्सिस में जो आपको लोड आया था वही आपका लोड वाई एक्सिस में आएगा फ्रेंड्स. बस इतना निकालने के बाद आपको सबसे मेन स्टेप करना है जिसको हम लोग फाइनल स्टेप बोलेंगे, स्टेप 3. दोस्तों हम लोग सीधे यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने क्योंकि अभी बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशंस में. तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे देखिए स्टोरी लेवल 1 यहाँ देखिए 4, 3, 2 और 1. 4 का आपका जो आपका 4 जो था उस पर जो किलो न्यूटन आया था कितना आया था 3000 किलो न्यूटन आया था. और यहाँ पे स्टोरी 3 पे कितना आया था 42 एंड 42 सभी स्टोरीज पे आए थे. इसके बाद दोस्तों हम लोग हाइट देखेंगे जो सबसे टॉप हाइट हमारी कितनी थी 13.8. उसके बाद एक 3.2 उसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.6. उसके बाद हम लोग 3.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.4. और इसके बाद कितना आ गया 4.2. इसके बाद दोस्तों ये डब्ल्यू आई मीन्स दिस वन एंड एच आई, ये एच आई का स्क्वायर करके डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी. और उसके बाद सेम थिंग इसके लिए करेंगे और सेम इसके लिए और सेम इसके लिए करेंगे फ्रेंड्स. इसके बाद हम लोगों के पास ये डब्ल्यू आई एच आई जो है इसका समेशन हम लोगों को होना चाहिए कि इसका समेशन किस तरीके से करेंगे. तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समेशन करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से समेशन कर देंगे और समेशन करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1347.3. और ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.000. ठीक है तो ये आपका 1 आया और ये 13. मींस आपको टोटल क्या करना है ये मींस ये करना है ऊपर और इतना बाई आपका ये जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद सेम थिंग ये करेंगे इतना बाई इसको करेंगे तो हम लोग को इतना डिवीजन आ जाएगा. इतने बाई इतने हम लोग करेंगे तो ये आएगा और इतने बाई इतने करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स. इसके बाद हम लोगों को देखेंगे लेटरल फोर्स एट आई लेवल मींस एक्स पे कितना फोर्स किस पॉइंट पे मतलब टॉप फ्लोर पे कितना लगेगा और वाई में कितना लगेगा, अलग अलग डिफरेंस कैसे देखें. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं Q इक्वल टू वी 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 आई एच आई का स्क्वायर मीन्स ये टोटल मीन्स ये और इंटू
ये इनटू वीवी, वीवी आपका कितना आया था 1440 आया था ना, 1440 जो आया था, तो 1440 इनटू ये, तो ये आ जाएगा आपका 1440 इनटू ये, तो ये आ जाएगा 1440 इनटू ये, 1440 इनटू ये। अब एक्स और वाई दोनों के लिए एस ए वाई जी सेम था, तो आपका जो प्रेशर आएगा दोनों का सेम आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1440 आपका टोटल जो आपका लोड आया था वो अलग अलग लोड पर हमारा टोटल आ गया। मतलब अगर ये आ गया एक्स एंड वाई, इसका मतलब फ्रेंड्स आपने जो कैलकुलेशन किया है प्रॉपर सही किया हुआ है। अब इसके बाद अगर हम लोग फ्लोर्स की बात करें कि फ्लोर्स पे कौन से फ्लोर्स पे कितना हमारा लोड आया, तो हम लोग यहाँ पे एक एलिवेशन देख लेंगे फिर से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 611, मतलब आपकी अगर बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग आपकी कुछ इस तरीके से थी। कुछ इस तरीके से हमारी बिल्डिंग थी जिसमें से ये हमारा क्या था, ग्राउंड फ्लोर था। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर आ रहा था कोयल का कितना आ रहा है, यहाँ पे 79 आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये है हमारा 79 किलो न्यूटन, और इस पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 246, और इसके बाद इस पे कितना आ रहा है 504, और सबसे ज़्यादा अर्थ कोयल प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है 611। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत ही लाइक अगर आपने स्टेप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन नहीं है सेस्मिक एनालिसिस करने में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पहला वीडियो है बोर्ड पे बनाने का, क्योंकि अभी अभी हमने बोर्ड को परचेस किया है और अब हम लोग की जो वीडियोज़ भी आएंगे वो बोर्ड पे अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हमें प्रेजेंट करने के लिए प्रॉब्लम होती थी तो हमने ये बोर्ड खरीदा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको डायनेमिक एनालिसिस भी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए और बताइए सर डायनेमिक एनालिसिस। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस जो भी हमने मटेरियल आपको दिया है, इसका हम लोग पीडीएफ यहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे, आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी कैलकुलेशंस हैं वहाँ पे डायरेक्ट सही मॉडिफाई हुए हैं, जैसा कि क्लॉज नंबर, इसके लिए कौन सा क्लॉज यूज़ किया, इसके लिए कौन सा क्लॉज ये, इसके लिए हम लोग आपको पीडीएफ दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। गाइस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो यार इसको अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी शेयर करिए, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, और आप आगे मुझे बताइए कि आगे कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर अगर पढ़ना चाहते हो तो बताइए, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं दुग्गल सर, एस के दुग्गल आपको पता होना चाहिए, मैं एस के दुग्गल सर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर के भी लेक्चर स्टार्ट करवाने हैं तो आप कमेंट करिए, सब मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है स्टील स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज़।